हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद माधुरी। आज हम बात करेंगे फीमेल फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डिफरेंट होता है। जैसे अगर आपको याद हो तो मेल फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम था और जो उसका वेस्टेज था उन दोनों के लिए सेम ही कलेक्टिंग डक्ट थी, जिसे हमने कहा था यूरिनो जेनिटल डक्ट। बट यहाँ इनकेस ऑफ फीमेल देयर इज मच डिफरेंसेस। तो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी वन पेयर किडनी होती है और इसके ऊपर फैट बॉडीज प्रेजेंट होती है। जैसे कि मेल में किडनीज के ऊपर ही टेस्टिस अटैच्ड थे और वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली अटैच्ड थे, बट इन केस ऑफ फीमेल जो इसके ऊपर ओवरीज अटैच होती है वो सिर्फ स्ट्रक्चरली अटैच्ड होती है। योगी ओवरी ये कैसे अटैच है? सिर्फ स्ट्रक्चरली, इसका फंक्शनली कोई अटैचमेंट नहीं होता। मेल फ्रॉग के अंदर तो जो स्पर्म रिलीज होते थे वो किडनी के अंदर से ही पास होते थे, बट यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंशिएशन है। अब ये जो ओवरीज है, ओवरी किडनी एंड दैट इज फैट बॉडीज, अब ये जो ओवरीज है ये किडनी से अटैच्ड कैसे होगी? एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के थ्रू। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के थ्रू जिसे बोलते हैं, ये जो ओवरी है ये किडनी के ऊपर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर से अटैच रहती है जिसे कहते हैं मेसोवेरियम। फीमेल फ्रॉग में भी यूरिन के कलेक्शन के लिए यहां पर एक डक्ट ओपन होती है, सेम ऐसे ही इस किडनी से एक डक्ट ओपन होगी जो कि एक डक्ट निकलेगी जो कि ओपन होगी रेक्टम में। यह है रेक्टम, यह इसकी डक्ट की ओपनिंग। अब इस यहाँ पे ओवरी का क्या होगा? ओवरी से तो एग रिलीज होंगे, तो यहाँ पर एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होगी जो कलेक्ट करेगी ओवरी से रिलीज एग्स को और वो डक्ट भी ओपन होगी जाकर यूरेटर में। यहाँ पर भी फनल शेप है। इस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर का जो लोअर पार्ट होता है ये थोड़ा सा बल्जिंग होगा, इस तरीके से थोड़ा सा बल्जिंग पार्ट होगा। सेम यहाँ पर भी इसका जो लोअर एंड होगा वो थोड़ा सा यहाँ से बल्जिंग होगा और ये सारे ओपन होंगे कहाँ पर? रेक्टम में। और रेक्टम का जो ओपनिंग है इसे कहेंगे क्लोएका। अब देखिए मेल के अंदर तो क्या था? जो यूरिन है और जो स्पर्म है उसके लिए एक कॉमन ओपनिंग डक्ट थी जो कि किडनी से ही पास हो रही थी और उसे हमने कहा था यूरिनो जेनिटल डक्ट। फिर यहाँ पर जो डक्ट एग्स को कलेक्ट करने का काम कर रही है उसे बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग को। किडनी के ऊपर ही ओवरी अटैच होती है जो सिर्फ स्ट्रक्चरली अटैच होती है, फंक्शनली इसका कोई अटैचमेंट नहीं होता। ओवरी किडनी के ऊपर अटैच होगी किसके? मस्कुलर फोल्डेड स्किन से, जिसे बोला जाता है मेसो ओवेरियम, जो कैसी होती है? इसको आप कह सकते हैं पेरिटोनियम की लेयर होती है जिसे बोला जाता है मेसो ओवेरियम। जो किडनी से यूरिन रिलीज होता है उसके लिए जो ट्यूब होती है उसे बोला जाता है यूरेटर, जो ओपन होती है कहां पर? रेक्टम में। ओवरी जो एग रिलीज करती है उसको कलेक्ट करने के लिए फैलोपियन ट्यूब होती है जिसका अपर पार्ट फनल शेप्ड होता है और लोअर एंडिंग इसकी थोड़ी सी बल्जिंग होती है जो ओपन होती है रेक्टम के अंदर। ये पार्ट है रेक्टम। अब रेक्टम के अंदर यूरिन और गैमेट्स के रिलीज होने के लिए अलग अलग ट्यूब्स ओपन होती है जबकि मेल के अंदर एक सिंगल ट्यूब ओपन होती थी। इस रेक्टम की जो ओपनिंग है वो कहलाती है क्लोएका। तो ये था हमारा फीमेल फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम।